छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सलूजा ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम शिवराज की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की है। कमलनाथ के सबसे वफादार लोगों में उनका नाम शुमार था। बीजेपी के अब हो गए हैं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक सलूजा। तो एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि कांग्रेस से उनके बड़े नेता पीछा छुड़ा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर मोहित हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। कमलनाथ के करीबी उनके वफादारों में से एक कांग्रेस के मीडिया समन्वयक सलूजा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, अनुभवी नेता कमलनाथ के वफादार नरेंद्र सलूजा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भगवा रंग में रंगे हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पार्टी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद उन्हें भगवा पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। कमलनाथ के सबसे ज्यादा वफादार लोगों में इनका नाम आता है। नरेंद्र सलूजा लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं, मुख्यमंत्री के काम से प्रभावित हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। यही रीजन पार्टी छोड़ने का उन्होंने दिया। कुलभूषण सक्सेना संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, कमलनाथ के बेहद करीबी, उनके वफादार नरेंद्र सलूजा आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे और कितना बड़ा झटका ये एमपी कांग्रेस के लिए? देखिए, कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगा है और इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और कमलनाथ के बेहद ही करीबी, क्योंकि कमलनाथ से पिछले 30 सालों से नरेंद्र सलूजा जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ दिनों से नाराजगी जो है देखने को मिल रही थी क्योंकि जिस प्रकार से जब पद का आवंटन होता है, पद वितरित किए जाते हैं, तो नरेंद्र सलूजा को कहीं ना कहीं इस पदों से वंचित रखा जा रहा था और कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वो मीडिया समन्वयक के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन इस बीच यहाँ पर जब मीडिया विभाग के अध्यक्ष की बात होती है, मीडिया विभाग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उनकी नाराजगी हुई थी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले जो चर्चा होती हुई नजर आ रही थी, इस चर्चा के दौरान नरेंद्र सलूजा को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी थी कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और उनके निवास में आने से इनकार कर दिया था। तो इस नाराजगी की वजह से जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में वो शामिल हुए हैं और जिस प्रकार से इंदौर में खालसा मैदान को लेकर जो राजनीति होती नजर आ रही थी और जो गुरु नानक जयंती के दिन कमलनाथ का विरोध हुआ था, इसको लेकर भी जो है नाराजगी जताई गई थी और इस नाराजगी के बाद पूरा दोषारोपण जो है नरेंद्र सलूजा पे थोपा जा रहा था। लगातार वो कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में नरेंद्र सलूजा को जो है सदस्यता दिलाई। और सदस्यता की अगर हम बात करें तो इस दौरान छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री नानाभाव मोहेड़ और वन मंत्री विजय शाह सहित लोकेंद्र पारसा जो कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के जो बेहद ही करीबी हैं नरेंद्र सलूजा उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में आने के रीजंस तो आपने बता दिए, बीजेपी को इससे कितनी मजबूती मिलेगी। दूसरा ये कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है, एंड वक्त पर पार्टी का बड़ा नेता साथ छोड़ता है, यानी बीजेपी जो पलटवार लगातार कर रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा है, उसको कहीं ना कहीं दम मिलता है इससे? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस को झटका तो लगा है क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से मजबूती दिलाई थी, जो लगातार वो बीजेपी पे निशाना साधते हुए नजर आते थे, लगातार जो वार करते हुए नजर आते थे, इससे बीजेपी में हड़कंप था। बीजेपी के तमाम नेताओं के जब भी बयान सामने आते थे तो वो नरेंद्र सलूजा को काउंटर जरूर करते थे, लेकिन अब
उन्होंने इस काउंटर का तोड़ निकाला और नरेंद्र सलूजा को ही पार्टी में शामिल करा लिया, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से कमलनाथ पर जो आरोप लगाए जाते हैं 1984 दंगे के, तो कहीं ना कहीं एक सरदार किस प्रकार से असरदार बने और कैसे वो यहाँ पर बीजेपी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर कांग्रेस को लगा है और नरेंद्र सलूजा ने जो है बीजेपी की सदस्यता ली है। कुलभूषण, एक छोटा सा सवाल ये भी कि बीजेपी को ही क्यों चुना नरेंद्र सलूजा ने, इसका क्या रीजन उन्होंने दिया है और कांग्रेस मध्य प्रदेश की क्या कह रही है? इस तरह से पार्टी को झटका लगा है, अचानक से कोई नेता चला जाता है, उसके पीछे क्या पार्टी की ओर से कहा जा रहा है? भूषण, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के वफादार नरेंद्र सलूजा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।